आनंद यादव के द्वारा लिखा हुआ पाठ जूझ। जूझ का अर्थ ही है संघर्ष। इस कथा में आनंद ने पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया। उसके संघर्ष में उसकी माँ और देसाई सरकार दोनों साथ देते हैं। स्कूल में भी उसे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है और इसीलिए वह मॉनिटर बनता है। जब वह संघर्ष करता है तो उसे गणित के मास्टर जी मंत्री का भी सहयोग मिलता है। कवि बनने के लिए उसने बहुत सारे संघर्ष किए थे। कवि बनने के लिए वह कभी पत्थर पर लिखता है तो कभी भैंस की पीठ पर भी उसे लिखना पड़ता है। इस सारे संघर्ष में उसका सहयोग सोंदल गेकर नामक मराठी अध्यापक करती हैं। पूरी कथा में नायक का संघर्ष जो है उसका चित्रण किया गया है। नायक के दादा को छोड़ करके अन्य सभी पात्र वह जो संघर्ष करता है उसकी सहायता करते हैं। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक जूझ रखा गया है। इस शीर्षक से कथनात्मक की संघर्षमयी प्रवृत्ति का बोध होता है। कथानायक जो है वो बहुत ही संघर्षशील प्रवृत्ति का है। और यह कथा जूझ जो है आनंद यादव के द्वारा लिखी हुई कथा है और एक बहुत ही अच्छे उपन्यास पर आधारित है। और इसी उपन्यास का अंश जो है जूझ के शीर्षक से संकलित किया गया है। लेखक के पिता ने कक्षा 4 में ही उसे स्कूल से जाने से रोक लिया और खेती के काम में लगा दिया। खेतों में उसे पानी देना पड़ता, कोहलू बनाना पड़ता। कोहलू होता है, कोहलू पर काम करना होता है, कोहलू का बैल जिसे बोलते हैं उससे पानी निकालना पड़ता था पहले के समय में, जिसमें बैल को जोत करके उसके पीछे बाल्टियां लगी हुई होती हैं और उससे पानी निकलता है। लेकिन वह खेत का काम करना ही नहीं चाहता, वह चाहता है पढ़ना। वह जानता है कि खेती में जन्म भर काम करने के बाद भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा और अगर वह पढ़ लेगा तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वह अपने दादा को यह कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, यानी अपने पिताजी को यह नहीं कह पा रहा है। और उसे पता भी है कि अगर वह पढ़ाई के लिए कह देगा तो पिताजी उसे बुरी तरह से पिटाई करेंगे। आज उसका कोहलू का काम समाप्त हो चुका था। उसकी माँ कंडे थाप रही थी, यानी उपले बना रही थी, और वह पानी की बाल्टी भर करके अपनी माँ को दे रहा था। जैसे ही उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है, पिताजी भी चले गए हैं, तो उसने माँ से बात की और बताया कि वह पढ़ना चाहता है। अगर वह दादाजी के सामने बात करता, यानी अपने पिताजी के सामने बात करता, तो वह जंगली सुअर की तरह उस पर गुर्राते पढ़ाई करने के लिए कि पढ़ना नहीं है। लेखक की माँ फिर ये कहती हैं कि दत्ता जी राव सरकार से पढ़ने के बारे में बात करेंगी और दोनों मिलकर के यह तय करते हैं कि दोनों मिलकर उनसे मिलने जाएंगे, पढ़ाई की बात करेंगे। जब दोनों जाते हैं उनके यहाँ तो माँ चाहती है कि बेटा भी 7वीं तक पढ़ाई कर ले। माँ ने दीवार के साथ बैठकर दत्ताजी राव को सब कुछ बता दिया और उसने बताया कि उसका पति सारा दिन बाजार में घूमता रहता है, खेती के काम में हाथ भी नहीं लगाता है और इसीलिए उसने बच्चे को पढ़ाई से रोक दिया है। लेखक ने राव जी के भाव अपने अनुकूल देखकर कहा कि अब जनवरी का महीना है, अब भी मुझे पाठशाला भेज दें तो मैं सारी तैयारी कर लूं और पास हो जाऊं, यानी कि अभी मैं पढ़ना शुरू कर दूं तो मुझे कुछ पढ़ाई आ जाएगी और मैं पास हो जाऊंगा, इस तरह से मेरा 1 साल बच जाएगा। और वह कहता है कि पहले ही 1 साल तो खराब हो चुका है। उसके पिताजी की बातें सुन करके राव जी को क्रोध आता है, गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैं उसे आज ठीक करता हूँ, यानी कि लेखक की पढ़ाई के लिए उसके पिता से बात करने को तैयार हो जाते हैं।
राव ने लेखक से कहा कि घर आते ही अपने पिता को मेरे पास भेज देना और फिर तुम थोड़ी देर बाद आ जाना, कोई बहाना बना करके मैं उसे समझा दूंगा। और वह कहते हैं कि पिता के सामने मैं कोई बात पूछूं तो वह बता देना, तुम कह देना। दोनों चले जाते हैं, पिताजी को बुलाया जाता है और दोनों उसी तरह से कुछ बहाना बना करके आ जाते हैं थोड़ी देर बाद। कि पहले लेखक आता है, वह कहता है माँ खाने के लिए बुला रही हैं। फिर राव जी पूछते हैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इस तरह से पढ़ाई का बहाना करके लेखक बता देता है कि पढ़ाई तो मैं करता नहीं हूँ। और पिताजी को समझाने के लिए फिर वो कहते हैं कि उसे डांट लगाते हैं उसके पिता को कि तू तो खुले सांड की तरह घूमता है और बच्चों को खेती करवाता है, किस तरह से ये बच्चा पढ़ाई छोड़कर तेरे खेत का काम कर रहा है, जा करके मास्टर को फीस दे दो और इसका साल बचाना है, इसे पढ़ाना है। और कहता है कि तुझे मैं पढ़ाऊँगा। इस प्रकार से लेखक ने अपने पिता पर सारे आरोप लगाए कि ये जुआ खेलते हैं, कंडे बेचते हैं, चारा बेचते हैं, सिनेमा आदि सब देखने जाते हैं। और लेखक अपने उत्तर से देसाई सरकार को संतुष्ट कर देता है। फिर वो पूछते हैं कि तुम कभी फेल तो नहीं हुए, लेकिन वह मना कर देता है। इस प्रकार से उसे स्कूल भेजने की तैयारी हो जाती है, लेकिन उसके पिताजी एक शर्त पर उसे स्कूल भेजने को तैयार होते हैं कि सुबह 11 बजे तक उसे खेत में काम करना पड़ेगा और खेत से ही पाठशाला जाना, छुट्टी के बाद घंटा भर पशु चराना और काम की अधिकता पर छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। और वह सारी शर्तें मान लेता है। जाकर के 5वीं कक्षा में वह बैठने लग जाता है। उसकी कक्षा में गली के 2 लड़के थे जो उसके जानकार थे, बाकी सब उसे जानते नहीं थे। सभी लड़के लेखक से कम उम्र के थे। वह जाकर के बिल्कुल चुपचाप एक बेंच पर बैठ जाता है तो एक शरारती जो लड़का होता है उसका मजाक बनाता है और उसका गमछा छीन करके मास्टर जी की मेज पर रख देता है। बाद में लेखक की धोती भी खोल देता है वह मजाक में। और इस तरह से लेखक को काफ़ी परेशान किया जाता है स्कूल में। और इस सब चीज़ों को देखकर एक बार तो वह घबरा जाता है और उसका मन उदास हो जाता है। बाद में फिर वह अपनी माँ को कह करके एक नई टोपी और चड्डी मंगवा लेता है और स्कूल में चड्डी पहनकर जाने लगता है। गणित के अध्यापक शरारती लड़कों की बहुत पिटाई करते थे, इसलिए कक्षा में थोड़ी शरारत कम होने लगी थी। वसंत पाटिल लेखक से आयु में थोड़ा छोटा था, किंतु पढ़ने में वह तेज था और इसी तरह से वह मॉनिटर बन गया था। घर में पूरी तैयारी करके आता था, पहली बेंच पर बैठता और इसीलिए उसका पूरी कक्षा में सम्मान था। लेखक ने भी वसंत पाटिल की तरह ही अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाया और कुछ न कुछ पढ़ता रहता और इस प्रकार से उसे पूरा गणित समझ में आने लग गया था। और वह लड़कों की सवाल भी जांचने लग गया था, मतलब जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो गणित के क्वेश्चन लेखक सॉल्व करने लग गया था, उनके जांचने लग गया था, चेक करने लग गया था। और वसंत उसका दोस्त भी बन गया था। मास्टर जी उसे खुश होकर आनंदा के नाम से बुलाते थे। मास्टर ने अपनेपन और वसंता की मित्रता के कारण अब उसका मन पाठशाला में लगने लग गया था। वसंता यहाँ कौन है? वसंत पाटिल जो है यहाँ वसंता है। दोनों का नाम आनंदा और वसंता था। सौंदलगेकर मराठी के अध्यापक उसके जो थे वो काफ़ी तन्मय होकर के उन्हें पढ़ाते थे और उन्हें बहुत सारी अंग्रेजी की कविताएं याद थी। उनका गला भी काफ़ी अच्छा था, छंद और लय का उन्हें ज्ञान था और कविता के साथ ऐसे जुड़ते कि अभिनय करके भावबोध करवाते थे। वे स्वयं भी कविता लिखते थे और कभी कभी कक्षा में अपनी कविता सुना भी देते थे। इसी प्रकार से लेखक को उन्हीं के द्वारा लिखने की प्रेरणा मिलती है।
जब लेखक खेत पर पानी लगाता था या अपने जो जानवर थे भैंस थी वो चराता था, तो वह एकांत में मास्टर जी की कविताओं के हाव भाव, उनकी यति गति आदि के बारे में गाता रहता था। और आरोह अवरोह के अनुसार, यानी कविता में जो एक उतार चढ़ाव आता है, आरोह अवरोह आता है, उसके अनुसार वह गाता था। और जैसे मास्टर जी क्लास में अभिनय करके दिखाते थे, वैसे ही वह भी उनकी नकल में अभिनय करता था। उसी समय उसने ये अनुभव किया कि मास्टर की तरह अन्य कविताएं भी लिखी जा सकती हैं, यानी कि वह खुद भी कविता लिख सकता है। इस प्रकार से उसे जब वो जानवर चराता था तो अकेलापन महसूस नहीं करता था और अपने आप में ही वह खुश रहने लग गया था। अब उसे एकांतवास अच्छा लगने लग गया था, कविता लिखते लिखते उसका पूरा समय अच्छे से बीतने लग जाता था। उसे ऊंची आवाज़ में गाना, नाचना और नाटक करना, उस कविता पर नाटक करना यानी अभिनय करना बहुत अच्छा लगता था। और उसने अब अपनी गाने की एक पद्धति बना ली थी कविता को। इस प्रकार से मास्टर से भी अच्छा वो गाने लग गया था। और कविता के सारे भाव जो थे, कविता के भीतर जो भाव होते हैं, उसके चेहरे पर नज़र आने लगे थे। मास्टर को लेखक का कविता गायन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सभी बालकों के आगे उसकी कविता को गवाया और जो स्कूल में फंक्शन हुआ था उसमें भी उसकी कविताएं गवाई गई। मास्टर सौंदलेकर जो थे वो स्वयं कविता करते थे और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिख करके संग्रह कर रखी थी और इसी प्रकार वो कवियों के संस्मरण भी बच्चों को सुनाते रहते थे। इससे लेखक के मन में कवियों के बारे में एक विचार आया कि वह भी हमारे जैसा ही होता है, यानी लेखक भी एक सामान्य मनुष्य है और लेखक भी कविता लिख सकता है। उसे ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी। लेखक को लगा कि वह खेत में, गांव में या कहीं भी जाकर के उन लोगों को देख करके कविता लिख सकता है। इसलिए भैंस चराते चराते फसल पर या जंगली फूलों पर वह तुकबंदी करने लग गया। कविता गुनगुनाता, मास्टर जी को दिखाता। ऐसी लिखने की उसको धुन सवार हो गई थी कि अगर पेंसिल कागज ना भी होता तो वह पत्थर पर लिख लेता, लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिख लेता, फिर उस कविता को याद कर लेता, जब याद हो जाती तो उसे पहुंच देता। कविता मास्टर जी को दिखाता और कभी कभी तो रात को ही मास्टर जी के घर चला जाता था। वहाँ पर मास्टर जी उसे कविता के बारे में सब बातें बताते थे कि छंद क्या होता है, लय अलंकार क्या है, शुद्ध लेखन कैसे लिखना चाहिए, और उसे पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक्स भी दिया करते थे। इस प्रकार उन्होंने कविता लिखने के सारे तरीके और ढंग उसे सिखा दिए थे। इस प्रकार से मास्टर जी की निकटता तो उसे मिलती ही रही, मराठी भाषा में भी उसके सुधार आने लग गया। अब लेखक को शब्दों का महत्व समझ में आ गया था। अलंकार, छंद, लय आदि की सूक्ष्मता को देख करके उसे कविता के बारे में काफ़ी जानकारी हो गई थी।